प्रॉपर्टी हो कि नहीं? हाँ या ना? आप लोग कपटी हो कि नहीं? कैसे कपटी हो? आजकल शादियों में बहुत कपट दिखता है। कैसा कपट? अच्छा बताओ, दुल्हन जैसी दिखती है क्या वैसी होती है? दुल्हन जैसी दिखती है वैसी होती है क्या? नहीं, दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। तो ये जो मंच में दुल्हन का रूप था, ये कौन सा रूप था? कपट का। कौन सा था? ये कपट का था। दुनिया के लिए कुछ और पति के लिए कुछ और। पति जब देखेगा, अरे ये तो ये थी, वहां तो कुछ और दिख रही थी। है ना? तो ये आजकल के रिश्ते शुरू कहां से हो रहे हैं? कपट से। इसलिए टिकाऊ नहीं। पहले के रिश्ते नेचुरल थे, जैसे हम थे वैसे ही हम हैं। भैया देख लो, पसंद है तो कर लो, नहीं है तो नहीं। पहले कपट कम था, अब कपट ज्यादा है। आजकल हम होते कुछ और हैं, बनते कुछ और हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं, संसार में भी सामान्य निष्कपट भाव से रहो और भगवान के लिए भी निष्कपट रहो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा बताओ, आप में से कितने लोग कामी हैं? आप में से कितने लोग क्रोधी हैं? आप में से कितने लोग लोभी हैं? और आप में से कितने लोग अभिमानी हैं? आप में से कितने लोगों के पास काम है? काम मतलब वासना, विषय वासना। काम, काम क्रोध, लोभ और अभिमान, मोह, पांच। चलो, कितने लोग आप में से कितने लोगों के पास काम, क्रोध, लोभ, मोह है? कितने लोग कामी और क्रोधी और लोभी और अभिमानी हैं? जो है वो हाथ उठाएं। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि नहीं जी महाराज जी, हम काम ही छोड़ी हैं। हाँ, आप तो बहुत बड़े संत हैं। आप क्रोधी भी नहीं हैं। अच्छा, आप लोभी भी नहीं हैं। आप अभिमानी भी नहीं हैं। ये क्या है? ये कपट है। जैसे हम हैं वैसे हम अपने आप को स्वीकार नहीं करते। हम हैं कामी, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा साधु समझते हैं, जितेंद्रिय समझते हैं। किससे समझ रहे हो? तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है तुम हमें नहीं बताओगे, पर इनसे क्या छिपा है? भगवान क्या नहीं जान रहे हैं कि आपके भीतर क्या है? आप हैं एक नंबर के क्रोधी। गुस्सा आपके नाक में रखा है, जरा बात में गुस्सा, क्रोधी। लेकिन नहीं, आप ऐसे बन जाते हैं जैसे बड़े गंभीर हो। वाह, लोभ इतना है पूछो मत। भाई का भी धन हड़पने को तैयार हैं आप। लोभ इतना है कि छोड़ेंगे कुछ नहीं, लेकिन इतना बड़ा त्यागी बन जाते हैं, नहीं जी हमारे जैसा तो कोई त्यागी नहीं है। और अभिमानी एक नंबर के हो, जरा इतना अभिमान आज के लोगों के अंदर पूछो मत। परंतु नहीं जी, हम तो बड़े सज्जन हैं। इसलिए ये कपट है मेरी मां। इसलिए भगवान से जैसे हो वैसे कहो,
हे नाथ हम कामी हैं, हमसे बड़ा कामी कोई नहीं। हे प्रभु हम क्रोधी हैं, हमसे बड़ा क्रोधी कोई नहीं। हे नाथ हम लोभी हैं, हमसे बड़ा लोभी कोई नहीं। हे नाथ हम अभिमानी हैं, हमसे बड़ा अभिमानी कोई नहीं। देखो गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियों को स्वीकार ना करना गलत है। और काम गलत नहीं है, क्रोध गलत नहीं है, लोभ गलत नहीं है, अभिमान गलत नहीं है। गलत होता तो भगवान बनाते क्यों? ये गलत तब होता है जब आप इसका गलत यूज मिसयूज करते हैं, गलत उपयोग करते हैं। अब ये सही भी है और गलत भी है, इन दोनों तथ्यों को मैं आपके समक्ष रखता हूं कि किस एंगल से ये सही है और किस हिसाब से ये गलत है। काम, यदि काम ना होता तो संतान उत्पन्न ना होती। तो काम है, किसने बनाया? भगवान ने बनाया, ये तुमने हमने तो बनाया नहीं। काम है तो ध्रुव और प्रहलाद जैसे पुत्र भी काम से ही प्रकट हुए हैं। काम ना होता तो ध्रुव और प्रहलाद और सूरदास और तुलसीदास और कबीरदास कैसे पैदा होते? तो यदि काम भक्त को पैदा करने के लिए है तब तो वो काम अच्छा है कि वो तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, ध्रुव और प्रहलाद जैसे बच्चों को पैदा करना चाहे, झांसी की रानी और मदालसा जैसों, सावित्री जैसों को, अनुसुईया जैसों को पैदा करना चाहे तो काम अच्छा है। लेकिन काम केवल विषय भोग के लिए बन जाए तब वो काम गलत है। काम अच्छा है कब? जब अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए काम का प्रयोग हो तो काम अच्छा है, वरना काम बुरा है।